दोस्तों दिल्ली से सभी शहरों का कनेक्शन काफ़ी गहरा होता है। दिल्ली शहर ही ऐसा है जहां इंसान की ज़रूरत की सभी चीज़ें कम दामों में और आसानी से मिल जाती हैं। लेकिन दिक्कत सिर्फ एक ही आती है कि लोग कम समय में आसानी से दिल्ली कैसे पहुंचें। उसके लिए कुछ लोग बस से ट्रैवल करते हैं और कुछ लोग ट्रेन से ट्रैवल करते हैं, लेकिन इन सब से सफ़र करने में समय ज़्यादा लग जाता है और आजकल लोग कोई भी काम जल्दी कैसे हो बस यही चाहते हैं, जिसके लिए सरकार दिल्ली से कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए हाईवे, एक्सप्रेसवे वगैरह बनवाती है। और उत्तर प्रदेश में भी कई सारे एक्सप्रेसवे बन रहे हैं, जैसे बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, गंगा एक्सप्रेसवे और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे। इन सब एक्सप्रेसवे पर हम वीडियो बना चुके हैं, आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर इसको देख सकते हैं। बात यहाँ खत्म नहीं हुई, क्योंकि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बनकर तैयार है, लेकिन इस एक्सप्रेसवे को बलिया लिंक एक्सप्रेसवे से जोड़ने के लिए काम शुरू हो चुका है। क्योंकि बलिया के लोगों को दिल्ली जाने में काफ़ी परेशानी हो रही थी, इसलिए योगी जी के कहने पर इस एक्सप्रेसवे को बनवाया जा रहा है। तो आज बात करेंगे बलिया लिंक एक्सप्रेसवे की। उससे पहले अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए बताते हैं इस एक्सप्रेसवे की अपडेट को। बलिया को पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से जोड़ने की रफ्तार तेज हो चुकी है, क्योंकि पिछले महीने सरकार ने अपने अनुपूरक बजट में बलिया लिंक एक्सप्रेसवे के लिए 50 करोड़ का बजट जारी किया था, जिससे इसके काम में तेजी आई है। और इस एक्सप्रेसवे के बनने के बाद बलिया सीधे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के जरिए लखनऊ से जुड़ेगा, वहीं आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे और यमुना एक्सप्रेसवे के जरिए दिल्ली की राह भी आसान हो जाएगी। इस एक्सप्रेसवे के बनने के बाद लोग 12 घंटे से भी कम समय में बलिया से दिल्ली तक का सफ़र कर पाएंगे। आपको बता दें, शुरुआत में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से बलिया कट गया था, उसके बाद यहाँ के जनप्रतिनिधियों पर भी लोगों ने काफ़ी दबाव बनाना शुरू किया। सभी जनप्रतिनिधि भी सरकार से बार बार इसकी मांग भी करने लगे, जिसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने बलिया को पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से जोड़ने के लिए बलिया लिंक एक्सप्रेसवे की सौगात दी। इसके लिए जिले के 16 गांवों का लैंड प्लान बनाने के आदेश दिए थे, जिसको यूपीडा अपनी देखरेख में बनवा रही है। इस परियोजना का सर्वे और DPR बनाने की जिम्मेदारी दिल्ली की कंपनी LN मालविया इंफ्रा प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड को सौंपी गई है। इस परियोजना के अकॉर्डिंग ये एक्सप्रेसवे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से जोड़ा जाएगा, जो बलिया शहर से लगभग 10 किलोमीटर दूर नेशनल हाईवे 31 पर खत्म किया जाएगा। बता दें, लगभग 23 किलोमीटर लंबे बलिया लिंक एक्सप्रेसवे में जनपद के 16 गाँव की जमीन आ रही है। इन गाँवों में बड़बलिया, शाहपुर, लकड़ा, अबगिलवा, हरदरपुर, बंकापुर, टिकरी, शहर इजरा, बसारतपुर, सुल्तानपुर, रसड़ा, कोटवारी, कुरुचंदा, शिनपुर, पूरा एकोनी, एकोनी बा पाहतीका शामिल हैं। बलिया लिंक एक्सप्रेसवे 4 लेन एक्सेस कंट्रोल ग्रीनफील्ड परियोजना है, जिसे फ्यूचर में 6 लेन कर दिया जाएगा। एक्सप्रेसवे के किनारे इंडस्ट्रियल पार्क और एजुकेशनल इंस्टीट्यूट बनाने की भी योजना है, जिससे पूर्वांचल का विकास हो सके। और एक्सप्रेसवे के किनारे फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज बनाई जाएगी, जिससे इस लिंक एक्सप्रेसवे के बनने से पर्यटन को भी बढ़ावा मिले। इसके काम में तेजी लाने के लिए पिछले दिनों शासन से 16 गांव के लैंड प्लान और नक्शा सत्यापन के निर्देश दिए गए थे, जिसके बाद यूपीडा के तहसीलदार जितेंद्र तिवारी के नेतृत्व में टीम जनपद पहुंची और तहसीलदार शहर सदानंद सरोज, विशेष भूमि अध्यक्ति विभाग के उपेंद्र सिंह आदि के साथ घंटों अभिलेखों की जाँच भी हुई। फिर उपेंद्र सिंह ने बताया कि 16 गांव में किसानों से लगभग 130 हेक्टेयर जमीन की खरीद की जानी है। इसके लिए अभिलेखों की जांच चल रही है और जल्द ही खरीद शुरू हो जाएगी।